नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीठ में खिंचाव के चलते जोहानसबर्ग में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट से बाहर होना पड़ा है, जिसकी वजह से उनके जगह पर केएल राहुल को भारतीय कप्तान बनाया गया। विराट कोहली की चोट अब भारत के लिए काफी चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका दौरा अभी शुरू हुआ है और अभी भारत को एक टेस्ट और खेलना बाकी है। इसके अलावा भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के साथ वनडे श्रृंखला भी खेलनी है, तो ऐसे में अगर विराट कोहली इस वक्त फिट नहीं होते हैं तो उनकी आखिरी टेस्ट और वनडे की उपलब्धता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। बता दें कि कोहली की पीठ में इस वक्त अकड़न है और अभी रिकवरी कर रहे हैं, इसी वजह से उन्हें इस टेस्ट में आराम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये दर्द कोहली को पहली बार उठा हो, इससे पहले भी कोहली को साल 2018 में हर्निएटेड डिस्क की दिक्कत हो चुकी है। यही वजह है कि हर किसी की चिंताएं बढ़ रही हैं। अगर बात करें वनडे श्रृंखला की, तो इस श्रृंखला में पहले ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा चोट के चलते बाहर हो चुके हैं। ऐसे में अगर विराट कोहली भी चोट के चलते बाहर हो गए तो फिर भारतीय टीम के लिए और भी मुश्किल बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि वनडे श्रृंखला की शुरुआत 19 जनवरी से होने जा रही है और इस दौरान भारत को 3 वनडे मुकाबले खेलने हैं। इस सीरीज के लिए भी केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है। ऐसा लंबे समय बाद होगा जब विराट कोहली व्हाइट बॉल क्रिकेट में किसी अन्य कप्तान के अंडर खेलेंगे। हालांकि केएल राहुल ने ये भी कहा है कि टीम को उम्मीद है कि विराट कोहली तीसरे टेस्ट मैच तक फिट हो जाएंगे और टीम में वापसी कर लेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।